नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कचहरी तिराहे पर सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न और गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के मामलों में पूरी तरह से फेल है। सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने संभल की घटना का जिक्र किया जहां एक रेप पीड़िता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार फर्जी एनकाउंटर और अन्यायपूर्ण अपराधों पर मौन क्यों है। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी और राजमणि यादव ने कहा कि सोनभद्र में दुद्धी की लड़की के साथ गैंगरेप, हाथरस और उन्नाव की घटनाएं किसी से छिपी नहीं। प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध बढ़े हैं। वहीं पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला सचिव मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति जनविरोधी है और ये समाज के कमजोर लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से अश्विनी कुशवाहा, दशरथ, अर्जुन, बलवंत यादव और राकेश भारती सहित कई सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं।